नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या नगरी की। अयोध्या नगरी में आज दीपोत्सव कार्यक्रम है जिसकी तैयारी बीते लंबे वक्त से की जा रही है। आपको बता दें, इस साल अयोध्या नगरी में जो है दीपोत्सव में 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। 24 लाख दियों से आज अयोध्या जगमगाएगा, पूरी दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है और जो झांकियां निकाली जा रही हैं उनका जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अयोध्या में झांकियां निकाली जा रही हैं, कई राज्यों की अलग अलग यहां पर झांकियां निकाली जा रही हैं और इसके साथ ही झांकियों के ज़रिए जो है भगवान श्री राम के चरितार्थ को जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही माता सीता और भगवान लक्ष्मण, इन सभी के जो है इतिहास को झांकियों के ज़रिए बयां किया जा रहा है। अयोध्या में भव्य तैयारी तो हुई है दीपोत्सव को लेकर और ये सातवां समय है, सातवीं बार जो है अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई उसके बाद से लगातार भव्य दीपोत्सव की जो है अयोध्या में धूम देखने को मिलती है और हर साल अलग अलग रिकॉर्ड जो है तोड़े जाते हैं। इस बार 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। अब इससे बीते साल जो है करीब 15 लाख दिए जलाए गए थे अयोध्या में और इसके साथ ही दीपोत्सव के लिए अयोध्या रोशनी से जो है नहा उठी है, ऐसी सजावट हुई है कि मानो देवलोक पृथ्वी पर उतर आए हों। चमचमाती सड़कें, एक रंग में रंगे भवन और आकर्षण लाइटिंग के साथ रामकथा आधारित 15 तोरण द्वार और कई स्वागत द्वार अयोध्या की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस वक्त शनिवार को यानी आज दीपोत्सव में 21 लाख दिए जो हैं वो राम की पैड़ी पर जलाने की तैयारी है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड भी साबित होगा। इस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए 3,60,000 दिए अतिरिक्त भी जलाए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर यहां पर 24 लाख दिए जलाने की तैयारी है। तो आज शाम होते ही जैसे ही रामलला के दरबार में पहला दीप जलेगा वैसे ही पूरी अयोध्या जगमगा उठेगी। सबसे पहला दिया अयोध्या में राम दरबार में जलता है। राम दरबार में दिए जलने के बाद से जो और 24 लाख दिए जलने हैं उन्हें जो है जलाया जाता है और जो भगवान राम के दरबार में दिया जलाया जाएगा उसकी खासियत ये है कि वो जो है गाय के गोबर से उसे बनाया गया है और उसमें जो है काफ़ी कुछ जो है मिलावट की गई है और उसकी रंग रोगन किए गए हैं उस दिए की। तो ऐसे में पहले भगवान राम के दरबार में दिया जलेगा, उसके बाद पूरी अयोध्या नगरी जगमगा उठेगी जिसका दृश्य देखने लायक होगा और इस दृश्य को निहारने के लिए आज अयोध्या में लोगों की भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो रही है।